हेलो स्टूडेंट्स, पिछली टर्म पर हमने प्रेजेंटिव इनकम कौन कौन सी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके संबंध में बात करी थी। अब आज मैं आपको उन इनकम्स के संबंध में ITR फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा भरना है, उसके संबंध में कुछ जानकारी दूंगा। इन इनकम्स के लिए जिन करदाताओं के कुल आय में ऐसे बिजनेस की इनकम या ऐसे प्रोफेशन की इनकम शामिल है तो वो ITR 4 भरेंगे। ऊपर लिखा है इसमें कौन कौन भरेंगे, फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड होती है, उसके अलावा रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, ADA और AE, जिनके ये इन तीन सेक्शन में कोई इनकम है तथा इसके अलावा अन्य इनकम है, कुल आय ₹50 लाख तक है, वो व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। पहला सेक्शन पार्ट ए, जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें करदाता को अपनी सामान्य जानकारी देनी होती है। पार्ट ए में आपको जो लिखा है, A1 फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इधर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन डेट, एड्रेस आपके बिल्डिंग नंबर, रोड नंबर, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री और पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर आपको यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ आपको मेंशन करना है, या अभी आधार नंबर आपको नहीं मिला तो एनरोलमेंट ID यहाँ आपको एलिजिबल फॉर यहाँ दिखाना है, स्टेटस दिखाना है। 15A में आप क्या इंडिविजुअल है, HUF या फर्म है, ये तीन ही तरह के व्यक्ति करदाता इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इनमें से आप कौन से हैं वो आपको मेंशन करना है। देन आपका मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर कोई है तो, और आपका ईमेल एड्रेस यह आपको मेंशन करना है। यदि आप एम्प्लॉयड हैं कहीं तो उसका विवरण भी आपको इसमें देना है। A19 में आपको दिखाना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, पेंशनर्स हैं या अन्य हैं, या नेट नॉट एप्लीकेबल, या आप इनमें से कोई भी नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है। 20A में आप ये जो रिटर्न फॉर्म भर रहे हैं किस समय या किस स्थिति के अनुसार भर रहे हैं, 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जो इसकी डेट निर्धारित है उस समय या उससे पहले भर रहे हैं, या उसके बाद भर रहे हैं, या किसी रिवाइज कर रहे हैं इसको, या डिले के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको दिखाना है, या कोई आपको नोटिस मिला है उसके रिस्पॉन्स में आप ये भर रहे हैं। यदि आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो ओरिजिनल रिटर्न आपने कब भरा था, उसके डेट वगैरह, नंबर और डेट आपको यहाँ फिलअप करना है। आप किसी नोटिस के अंतर्गत अगेंस्ट ये इसको भर रहे हैं तो उस नोटिस की डेट, नंबर इत्यादि आपको यहाँ फिलअप करना है। अब ये जो नया पॉइंट है, आप 7 प्रीव्यू सेक्शन 139(1) के अंतर्गत इस फॉर्म को भर रहे हैं या नहीं, इसमें आपको ये जवाब देना है। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि यदि आप रिटर्न भरने के एलिजिबल की जरूरत नहीं है, आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आप रिटर्न भरें, लेकिन ये जो तीन तरह की इंफॉर्मेशन हैं, यदि ये तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी आप पूरा कर रहे हैं तो फिर आपको रिटर्न भरना होगा,
चाहे आपकी इनकम के आधार पर नहीं भरना पड़े। तो इसमें आपको यस नो का जवाब देना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? क्या आपने एक करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि आपके करंट अकाउंट में जमा कराई है गत वर्ष में? क्या आपने फॉरेन ट्रेवल पर खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं? और क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा आया है? अगर इनमें से किसी एक में भी आप हाँ भरते हैं तो फिर आपको यह रिटर्न फॉर्म फिलअप करना होगा, चाहे इनकम के आधार पर आप एलिजिबल नहीं हो या नहीं भरने की जरूरत नहीं हो। फिर आपको आगे पूछा 823 में कि आप क्या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के रूप में इसको भर रहे हैं, यस या नो आपको बताना है। और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब आप किसी दूसरे के बिहाफ पे ये फॉर्म आईटीआर भर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपने यस किया है अर्थात किसी दूसरे के आधार के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति की सारी सूचनाएं आपको देनी होगी, नाम, कैपेसिटी, एड्रेस और परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर आता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम पार्ट बी। इसके अंतर्गत B1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन की आपकी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल इनकम क्या है, वो इसमें आपको फिलअप करनी है। और ये फिलअप आप जब उसके रिलेटेड सेक्शन भरेंगे AT तो उसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये प्रेजेंटिव इनकम वगैरह आपने कैसे निकाली है, कैसे निकालनी है, वो सब इसी के अंतर्गत आएगी जो नीचे अगर दिखाया गया है। उस इनकम के अलावा आपकी अन्य आय क्या क्या है, ग्रॉस सैलरी, अगर आपकी सैलरी है तो यह आपको भरना है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, इन तीनों को आप यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस सैलरी यहाँ आपकी आ जाएगी। उसके बाद इस सैलरी में से आपको कौन कौन से डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो आपको भरने हैं। लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 के अंतर्गत आपकी जो छूटें हैं वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि यहाँ जितनी आप लेस कर रहे हैं अलाउंसेस को वो सब आपकी इन तीनों इनकम में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जुड़ी हुई है तभी आप इसको लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपकी नेट सैलरी कहलाएगा। इस नेट सैलरी में से आपको 3 तरह के डिडक्शंस अवेलेबल हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ भरना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ भरना है और प्रोफेशनल टैक्स आपने अगर कोई चुकाया है तो यहाँ भरना है। इन तीनों की टोटल यहाँ आ जाएगी और इन सब के ओवरऑल सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी B2 में आ जाएगी। अब आगे आता है हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको यहाँ टिक करना है आपका मकान किस तरह का है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ टिक करना है, लेट आउट है तो यहाँ टिक करना है और डीम्ड लेट आउट है तो यहाँ टिक करना है। लेट आउट नहीं है लेकिन उसे लेट आउट की तरह से मान लिया गया है तो यहाँ टिक आउट करना है। आपकी ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल या लेटेबल वैल्यू क्या है उसको यहाँ दिखाना है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज, आपने कोई टैक्स चुकाया है तो वो यहाँ आपको दिखाना है। एनुअल वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगी। अब एनुअल वैल्यू में से सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू 0 होगी, बाकी सबकी दूसरों की वैल्यू आएगी। एनुअल वैल्यू का 30% यहाँ आपको डिडक्ट करना है, दिखाना है जो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपने जो मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए जो ब्याज लोन लिया और लोन पर जो ब्याज चुकाया उसको यहाँ दिखाना है, और एरियर या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पिछले सालों का कोई रेंट आपको इस साल प्राप्त हुआ है तो
तो वो अमाउंट उसमें से 30% घटा दीजिए और बैलेंस अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। इन सब को एनुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद इन दो को माइनस करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और देन आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। क्या क्या देखिए, फिर सुन लीजिए। एनुअल वैल्यू में से 30% एनुअल वैल्यू घटाना है, इंटरेस्ट पेबल ये घटाना है, और एरियर या अनरिलीज रेंट जो अब आया है उसको जोड़ना है, और इस तरह से कैलकुलेट अमाउंट को यहाँ अपने आप सिस्टम कैलकुलेट करके ले लेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन तीनों के अलावा और कोई आपकी अगर इनकम है तो उसको आपको यहां दिखाना है। अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहां माइनस करना है। इस तरह से अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, जो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ग्रॉस टोटल इनकम में B1, B2, B3, B4 इन सब की जोड़ आपकी यह आ जाएगी। अगर इनमें से कोई वैल्यू, लेट आउट वैल्यू दूसरे या उस वैल्यू नेगेटिव है, लॉस है, तो माइनस में उसको आपको दिखाना है। पार्ट सी, आपकी ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है जिसको हम B5 में दिखा रखा है, उसमें से ये डिडक्शंस चैप्टर 6 के, अगर आप उनमें से कोई छूट लेना चाहते हैं तो उसको यस करते हुए यह अमाउंट आपको बढ़ने हैं। वेदर यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1/4/20 से 30/26 फॉर दी क्लेमिंग अंडर पार्ट बी। हाँ, इस साल ये कोरोना काल की वजह से मार्च महीने में यदि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे और वो अपना इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक किया है, तो उसमें आपको यस नो करना है और वो अमाउंट उसके साथ आपकी आ जाएगी। तो ये जो डिडक्शंस हैं, ATC CCC, ATC CD1, CCD1B, CCD2, ATD, ATDD, इस तरह से ये सारे जो है लगभग 18 तरह के डिडक्शंस जो आप इस फॉर्म को भरने वाले एलिजिबल हैं वो इसका क्लेम कर सकते हैं। डिटेल्स जहाँ जरूरत मांगी है वो इसमें डिटेल्स आपको ड्रॉप डाउन में से लेनी है, और ये सब छूटें आपको मेंशन करनी है। इन सब की टोटल C19 में आ जाएगी। और टैक्सेबल टोटल इनकम, जिसको हम टोटल इनकम भी कह सकते हैं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शंस घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल टोटल इनकम कहलाएगी। तो ये आपकी कुल मिला के टैक्सेबल इनकम इस तरह से ज्ञात हो जाएगी, उसमें से आपको टैक्स चुकाना है। अब इसी के आगे पार्ट डी में आपको दिखाया है कि ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई है उसके आधार पर उसमें से क्या क्या और कुछ प्लस माइनस करना है वो देख लीजिए। इस टोटल टैक्सेबल इनकम C20 पर टैक्स कितना बनता है वो यहाँ D1 में दिखाना है। अगर आप सेक्शन 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो D2 में दिखाना है। उसके बाद बैलेंस आपका यहाँ D3 में आ जाएगा, एजुकेशन सेस D4, और D5 में टोटल टैक्स एंड सेस यहाँ आ जाएगी। सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा अगर आप उस सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर 89 सेक्शन की आपको कोई रिलीफ लेनी है तो उसको रिलीफ को यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ D7 में दिखाना है। D7 के बाद अगर आपने कोई लेट फाइलिंग की है, टैक्स लेट जमा कराया है, तो विभिन्न तरह के इंटरेस्ट आपको देने पड़ेंगे, वो सेक्शन 2, 3, 4, 8, B और C में जो भी होगा आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद कुल मिला के आपको क्या कुछ चुकाना है, D12 में आपकी अमाउंट आ जाएगी। उसमें से टोटल एडवांस टैक्स पेड आपने कितना किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में आपने कितना किया, D14 में आ जाएगा। आपने TDS किसी जो दूसरे व्यक्तियों ने आपके लिए काट लिया है
वो कितनी अमाउंट है वो आपको D15 में दिखाना है, TCS कुछ है तो वो दिखाना है। इस तरह से आपने कुल मिला के टैक्स कितना पे किया D17 में आ जाएगा। D18 में कुल आपका जो टैक्स बना उसमें से जो टैक्स आप तक चुका चुके हैं वो माइनस कर दीजिए, और D18 में आपकी नेट अमाउंट जो अब चुकानी है वो आ जाएगी। अगर आपकी नहीं चुकानी है, आपको रिफंड लेना है, तो फिर D19 में अपने आप सिस्टम ले लेगा। फिर D20 एग्जेम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है लेकिन इसे आपको यहां दिखाना है, केवल रिपोर्टिंग के लिए, इस पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी अदर इनकम, इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000, तो आपको ये 5,000 से कम है तो आपको ये रिटर्न यहाँ दिखानी है, और उससे ज्यादा है तो दूसरे रिटर्न फॉर्म आपको भरने हैं, और कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आपको यहाँ मेंशन करना। उसके बाद अगला पार्ट, इसमें आपको डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी है, बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, और आपको अगर रिफंड लेना है तो यहाँ टिक करना है कौन से अकाउंट में लेना है। ये इस तरह से एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई जो आपको फिलअप करनी है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के अलावा, जो प्रेजेंटिव आधार पर निकाली है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस रिटर्न फॉर्म में जो स्टार्टिंग में हमने कहा था बिजनेस प्रोफेशन की इनकम यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगी, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है वो आगे के शेड्यूल्स में है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अभी आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए, यही ज़्यादातर चीज़ें आपके हर रिटर्न फॉर्म में भरी जाती है, उसी के अनुसार इसको भी फिलअप करना है। थैंक यू।